हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द बी आर स्टॉपर सो बी ए सिक्स सेमेस्टर की जोग्रफी प्रैक्टिकल सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम मैप प्रोजेक्शन की क्लासिफिकेशन समझेंगे ठीक है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड आज हमने क्लासीफिकेशन से स्टार्ट करना है देखो मैप प्रोजेक्शन की जो क्लासीफिकेशन है ना ये हम तीन बेसिस पर पे करते हैं एक होता है कि मैप प्रोजेक्शन को बनाने का मैथड क्या है जिस तरीके से जिस मेथड से हम मैप प्रोजेक्शन को बनाते हैं उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं दूसरा मेथड है कि परपस uh, के बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं मैप प्रोजेक्शन को कि इनको बनाने का परपस क्या है और मैप प्रोजेक्शन को लाइट के सोर्स के बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है ठीक है तो तीन बेसिस हैं जिनसे हम क्लासीफाई करते हैं इनको बारी बारी से हम समझेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जिस मेथड से कंस्ट्रक्ट की जा रही है मैप प्रोजेक्शन उसके बेसिस पे चार तरह की मैप प्रोजेक्शंस होती हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कॉनिकल प्रोजेक्शन जेनिथल प्रोजेक्शन और कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शंस इनको मैं समझाऊंगी पहले इनका थोड़ा सा ब्रीफ में देख लो कौन कौन सी तरह की मैप प्रोजेक्शन होती हैं ठीक है थीके? तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे चार तरह की सिलेंड्रिकल कोनिकल जेनीथल और कॉन्वेंशनल ये आपने याद रखना है उसके बाद पर्पज के बेस पे चार तरह की ही प्रोजेक्शंस होती हैं एरिया प्रोजेक्शन ट्रू शेप ट्रू स्केल और ट्रू डायरेक्शन इसको आपने पूरा पूरा याद नहीं करना सिंपली याद करो इक्वल एरिया ट्रू शेप ट्रू स्केल और ट्रू डायरेक्शन ये चार तरह की मेन प्रोजेक्शंस हैं जो पर्पस के बेस पे ड्रॉ की जाती हैं ठीक है थीके? इनके कुछ सेकेंड नेम्स भी हैं जैसे इक्वल एरिया जो प्रोजेक्शन है इसको होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं ट्रू शेप को ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है और ट्रू डायरेक्शन को ऐसे मुसल प्रोजेक्शन कहते हैं ये मैं याद करवा दूंगी डोंट वरी फ़िलहाल आपने इसको इजी वे में इक्वल एरिया ट्रू शेप ट्रू शे, स्केल और ट्रू डायरेक्शन याद रखना है ठीक है उसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट अगर हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे दो तरह की मैप प्रोजेक्शन होती हैं प्रस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन और नॉन परस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन तो जिसमें बेसिकली लाइट का यूज़ होता है उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं और जिसमें लाइट का यूज़ नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस क्लियर है तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है मैप प्रोजेक्शन की इनको अब हमें समझना है कि इनकी डेफिनेशन हम समझेंगे कि सिलेंडिकल प्रोजेक्शन क्या होती है कॉनिकल क्या होती है फिलहाल आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया कि किस मेथड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे चार ये तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं पर्पज़ के बेस पे ये वाली चार प्रोजेक्शंस हैं और यूज ऑफ लाइट के बेसिस पे ये दो प्रोजेक्शंस होती हैं ठीक है तो ये जो क्लासिफिकेशन है अब इनको हमने डिटेल में करना है फर्स्ट है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे है जिस मेथड से हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बेसिस पे जो चार प्रोजेक्शंस हैं वो पहले हम समझेंगे फर्स्टली देखो है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या है इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक हॉलो सिलेंडर है जो कि ग्लोब को टच कर रहा है अलोंग द इक्वेटर एंड सराउंड अब ये ग्लोब है हमारा इसमें इसके आउटर सरफेस पे यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये इसको टच कर रहा है एक इक्वेटर के अलोंग ये जो सिलेंडर है ग्लोब को टच कर रहा है मतलब हमने ग्लोब के ऊपर एक सिलेंडर जो है वो पहना दिया ऐसा आप समझ सकते हो तो अब क्या है कि ये जो पैरल्स ऑफ मेरिडियंस पैरल्स ऑफ लेटीट्यूड एंड मैरिड ऑफ लॉन्गिट्यूड जो हैं वो ग्लोब से इसके ऊपर ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ट्रांसफ़र कैसे करेंगे या तो सोर्स ऑफ लाइट से यूज़ करेंगे बीच में कुछ लाइट दिखा के उसकी जो शेडो आएगी तो उन शेडोज को फिर हम इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे और ये लेटीट्यूड एंड लॉन्गी बन जाएंगे या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे हम इनको इसके ऊपर उतार सकते हैं ठीक है तो मेथड कोई भी हो लेकिन अगर सिलेंडर को हम यूज़ कर रहे हैं एक शीट ऑफ पेपर है जिसको हमने सिलेंडर बना दिया और उसको हमने ग्लोब में पहना दिया और फिर वो जो पैदल्स और मेरिडियंस हैं इनको हमने इस सिलेंडर के ऊपर ट्रेस कर दिया तो जब हम इसको बीच में से ऐसे कट करके खोल देंगे तो हमारे पास ये एक मैप बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से ये मैप प्रोजेक्शन हमारी तैयार हो जाएंगी जब हम इसको अनरोल करेंगे सिलेंडर को वी गेट द सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस तो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस की फॉर्म में हमारे पास मैप प्रोजेक्शन तैयार हो जाएगी क्लियर तो ये होता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जब हमने एक हॉलो सिलेंडर को ग्लोब में पहना दिया तो उसमें उसके ऊपर फिर हमने लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ट्रेस कर दिया और जब हम उस सिलेंडर को खोल देंगे तो वो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर बन जाएगा दैट इज़ आवर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ठीक है नेक्स्ट है कॉनिकल प्रोजेक्शन अब जैसे उसमें सिलेंडर पहनाया था इसके ऊपर हमने एक पेपर का कोन बना के रख दिया ग्लोब के ऊपर तो ग्लोब के ऊपर जब हमने कोन रख दिया एक तो उसके ऊपर जब हम लाइट से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किसी भी तरह से जब हम लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ट्रेस करेंगे और इसको जब हम खोल देंगे तो ये भी एक फ्लैट शीट बन जाएगा ठीक है क्योंकि ये कोन सिलेंडर ये सब ना डेवेलपेबल सरफेस हैं तो इनको इसको जैसे हम यहाँ से बीच में से कट कर देंगे तो ये इस तरह की शेप में हमारे पास मैप तैयार हो जाएगा इसको हम बोलते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन ठीक है सो इन केस ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन इट इज अज्यूम कोन टच द ग्लोब अलोंग अ पैरल ऑफ लेटीट्यूड एंड द एपेक्स ऑफ द लाइज वर्टिकली अबव द पोल अब इस केस में अज्यूम किया जाता है कि एक पैरल ऑफ लेटीट्यूड के पास में अब सपोज ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है ये जो पेपर है एग्जैक्टली exactly टच कर रहा है ये इस लैटीट्यूड के ऊपर और ये जो कोन है इसका जो एपेक्स होता है इसका टॉप जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल पोल के ऊपर आएगी ठीक है तो पैरल द ग्लोब इज नोन एज स्टैंडर्ड पैरल अब इसको स्टार कर लो इसको हाईलाइट कर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ, इसमें आपका टू मार्क्स क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और जब आपका प्रैक्टिकल होता है ना इसका वाइवा होता है वाइवा वॉस जब होता है तो उसमें एग्जामिनर जरूर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड पैरेलल तो आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड पैरेलल वो पैरेलल होता है लैटिट्यूड का दैट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जहाँ पे कौन ग्लोब को टच करता है अब ये कौन जिस भी लैटिट्यूड के ऊपर ग्लोब को टच कर रहा है वो इसका स्टैंडर्ड पैरेलल होगा ठीक है सो द पैरेलल अलॉन्ग विद द कौन टच द ग्लोब इज नोन एज स्टैंडर्ड पैरल और पैरल क्योंकि लेटिट्यूड का पैरल होता है का नहीं होता ठीक है ये याद रखना longitude के मेरीडियन होते हैं द कॉन इज कट अलोंग अ मेरीडियन और इसको कट कहाँ से किया जाता है इसको पैरल वाइज कट नहीं किया जाता है इसको मेरीडियन से कट किया जाता है इस तरह से सीधा इसको कट करेंगे तो खोल के ये इस तरह की शेप में हमारे पास आ जाएगा द कॉन इज कट अलॉन्ग अ मेरिडियन एंड अनरोल्ड रोल्ड इन टू अ फ्लैट सरफेस आफ्टर ट्रांसफरिंग द पैरल्स एंड मेरीडिय ऑन इट फ्रॉम द ग्लोब तो ग्लोब से जब इस पर हम मेरीगन्स और पैरल्स को ट्रांसफर कर देंगे तो ये इसको इस तरह से हम खोल देंगे ठीक है तो ये बन गई हमारी कॉनिकल प्रोजेक्शन फाइन नेक्स्ट है जेनीथल प्रोजेक्शन अब जेनीथल प्रोजेक्शन में क्या है कि इस केस में हमने अजूम किया कि ग्लोब के ऊपर एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर हमने रख दी और उसके ऊपर हमें अब जो भी पैरल्स और मेरिडियंस हैं उनको ट्रेस करना है तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में सिलेंडर था और कॉनिकल प्रोजेक्शन में कौन और जेनिथल में आपने याद रखना है शीट है एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर है जो कि ग्लोब को टच कर रही है और जिस पॉइंट पे ये टच करती है ग्लोब को वो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है बिल्कुल सेंटर से इसको टच किया जाता है जो भी पेपर का सेंटर होता है वो ग्लोब को टच करता है एंड द नेटवर्क ऑफ पैरल एंड मेरीगिन इज ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेन पेपर आइदर जोमेट्रिकली और बाई यूजिंग अ सोर्स ऑफ लाइट तो किसी भी मेथड से जैसे भी इसके जो पैरल्स और मेरिडियंस हैं उनको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी जेनिथल प्रोजेक्शन ठीक है अब ये अलग अलग प्रोजेक्शंस जो होती हैं ना ये अलग अलग एरियाज के लिए सूटेबल होती है इसको हम थोड़ा तो वैसे बाद में देखेंगे या थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ देखो सिलेंडर प्रोजेक्शन जो होती है ना उसमें जो पेपर है जो सिलेंडर है वो इक्वेटर पे टच करता है एग्जैक्टली ये इक्वेटर के ऊपर ग्लोब को टच करता है तो ये एक्यूरेट जो होती है ना वो इक्वेटर वाले एरिया पे होती है तो इक्वेटोरियल एरियाज इसमें बिल्कुल सही से बनाए जाते हैं और जैसे जैसे इसमें पोल वार जाएंगे तो यहाँ पे ना डिफॉर्मिटी आती जाएगी यहाँ पे मैप उतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट ये इक्वेटर पे बनेगा तो अगर आपको इक्वेटोरियल कंट्री का मैप बनाना है तो आप उसमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हो क्लियर और कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली मिड लाइटिट्यूड एरियाज के लिए यूज़ की जाती है टेम्परेट रीजन के लिए बिकॉज़ ये यह यहाँ से टच करती है यहाँ पे इसका बेसिकली जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो मिड लेटीट्यूड्स में ही बनता है इस तरफ कहीं बनेगा और जो जेनिथल प्रोजेक्शंस होती हैं वो पोलर एरियाज़ के लिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये जो शीट ऑफ पेपर है ये मेनली पोल को टच करती है क्लियर इसके बाद फोर्थ कन्वेंशनल प्रोजेक्शन है ये भी वही है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे लेकिन ये क्या है कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस जो होती हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं आइदर कॉनिकल जेनिथल या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की अब ये जो तीन प्रोजेक्शन हैं इनको अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए जो भी इनकी थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटीज़ आ रही है अगर हम उनको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट कर लेंगे तो वो कन्वेंशनल प्रोजेक्शन बन जाती है जनरली दे हैव बीन डिज़ाइन फॉर ऑप्टेनिंग मैक्मम एक्यूरेसी ऑफ शेप एरियाज साइमल्टेनियस तो शेप और एरियाज इन सबको मतलब थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं क्लियर नेक्स्ट है इक्ल एरिया और होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन ये जो प्रोजेक्शन है ये पर्पस बेस्ड हैं ठीक है थीके? इसके आगे पर्पस बेस्ड प्रोजेक्शंस हैं एरिया ट्रू शेप ट्रू स्केल और ट्रू डायरेक्शन इनको एक बार हम देख लेते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्या होता है कि इसमें ना एरियाज को एरियाज पे फोकस किया जाता है कि एरिया बिल्कुल बराबर आना चाहिए इन दीज प्रोजेक्शन एरियाज आर कैप्ड करेक्ट इसमें एरिया करेक्ट रखा जाता है दैट इज द एरिया ऑन द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द ग्लोब कि ग्लोब पे जो एरिया है सेम उतना ही एरिया 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 समझ रहे हो जैसे इंडिया का एरिया हम बताते हैं ना थ्री पॉइंट समथिंग स्क्र किलोमीटर है तो उतना एरिया होना चाहिए जितना किसी कंट्री का एरिया ग्लोब पर है उतना ही मैप प्रोजेक्शन में आना चाहिए इसमें एरियाज को करेक्ट रखने पर फोकस किया जाता है दीज प्रोजेक्शन आर यूज फॉर पोलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटिस्टिकल परपजेज़ तो मेनली पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जब मैप्स बनाए जाते हैं तो उसमें हम इक्वल एरिया पे फोकस करते हैं तो इक्वल एरिया को होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं और इक्वल एरिया की जो प्रॉपर्टी है ये मेनटेन uh, की जाती है बाय मेकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ स्केल्स अलोंग द पैरल्स एंड मेरिडियंस तो स्केल्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इक्वल एरिया की प्रॉपर्टी मेंटेन की जाती है उसको बोलते हैं होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन देन है ट्रू शेप अब देखो इक्वल एरिया और शेप में क्या डिफरेंस है कि इसमें शेप को मतलब शेप बिल्कुल एग्जैक्ट रखी जाती है जैसी शेप ग्लोब के ऊपर आ रही है किसी कंट्री की किसी भी रीजन की वैसी ही शेप हमारी मैप प्रोजेक्शन के ऊपर आए इस पर फोकस होता है जबकि इसमें एरिया जो है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है सो इन दिस प्रोजेक्शंस द शेप्स ऑफ एरियाज आर कैप्ट करेक्ट एज इज़ फाउंड ऑन द ग्लोब तो जैसी शेप ग्लोब के ऊपर है मेंटेन किया जाता है कि ऐसी ही शेप हमारी मैप प्रोजेक्शन के ऊपर आए और ट्रू शेप्स कैन बी प्रिजर्व ओनली इफ द पैरल्स एंड मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड द स्केल इन एवरी डायरेक्शन इज द सेम एवरीवेयर तो सभी डायरेक्शंस में जब स्केल सेम होगा तो ट्रू शेप की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन हो जाती है और ये जो मैप प्रोजेक्शन है इसको ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैप्स ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट मैप्स और जो विंड्स को जो मैप शो करते हैं ओशन करंट्स को जो मैप शो करते हैं वो ज़्यादातर ट्रू शेप मौ, ट्रू शेप और प्रोजेक्शन पे बनाए जाते हैं कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन भी इसको कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है ट्रू स्केल प्रोजेक्शन इसमें स्केल को करेक्ट रखने की कोशिश की जाती है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप द स्केल ऑफ मेरिडियंस करेक्ट एट ऑल प्लेसेज इन ऑल डायरेक्शन दस दिस ऑब्जेक्टिव इज मेन्टेन्ड फ्रॉम वन और टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब देखो स्केल जो है ना अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना के बताती हूँ देखो ग्लोब जो होता है वो हमारा स्पेयर होता है शीट हमारी फ्लैट होती है तो इसके ऊपर ना बिल्कुल सेम ऐसा हम नहीं बना सकते जैसा सेम टू सेम हम ग्लोब जैसा नहीं बना सकते हैं थोड़ा बहुत ना डिफॉर्मिटी आती है या तो शेप ख़राब होती है या एरिया थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है या स्केल प्रॉपर नहीं रहता है डिस्टेंसेज हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि ये थोड़ा गोलाई में होता है और ये फ्लैट होता है ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम किसी कंट्री का मैप बनाते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके हम इस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे ग्लोब का मैप बिल्कुल सेम बना दें ठीक है तो कुछ पॉइंट्स को जैसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हम इक्वेटोरियल एरियाज के लिए यूज़ करते हैं तो इक्वेटर पर स्केल सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा और अगर हमें पोलर एरियाज़ का मैप बनाना है तो उसमें हम जेनिथल प्रोजेक्शन यूज़ कर लेंगे सिलेंडर नहीं यूज़ करेंगे और मिड लैटीट्यूड्स का बनाना है तो उसमें हम कौन यूज़ कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके हम ये प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं मैप मेकिंग में क्लियर नेक्स्ट है ट्रू डायरेक्शनल और एजी मुथल प्रोजेक्शन ट्रू डायरेक्शन में क्या है कि डायरेक्शन को करेक्ट रखा जाता है तो बहुत सिंपल है ये जहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है तो डायरेक्शन को सेम रखने की कोशिश की जाती है जैसी डायरेक्शन ग्लोब में आ रही है सेम वही डायरेक्शन यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की जाती है दीज प्रोजेक्शन आर मेनली यूज टू शो ट्रांसपोर्ट रूट्स तो ट्रांसपोर्ट रूट्स के जो मैप्स होते हैं वो मेनली ट्रू डायरेक्शनल या एजी मुथल प्रोजेक्शन से बनाए जाते हैं ठीक है उसके बाद अब सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे दो तरह की प्रोजेक्शंस मैंने बताई थी अभी पीछे उनको हमें पढ़ना है देखो दो तरह की होती हैं परस्पेक्टिव और नॉन परस्पेक्टिव बहुत ईजी है जिसमें हम सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं परस्पेक्टिव और जिसमें हम सोर्स ऑफ लाइट का यूज नहीं करते उसको हम बोलते हैं नॉन परस्पेक्टिव अब ये जो परस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन है ये वो मैप प्रोजेक्शन हैं जिसमें सोर्स ऑफ लाइट यूज़ की जाती है टू ट्रांसफर द पैरल्स एंड मेरिडियंस फ्रॉम द ग्लोब टू फ्लैट शीट ऑफ पेपर अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या है कि ये ग्लोब है दिस इज ग्लोब अब यहाँ पे टॉर्च से लाइट यहाँ पे मारी जा रही है अब लाइट से ये जो पैरल्स और मेरिडियंस हैं इनकी जो शेडो आ रही है हमने उसको फिर यहाँ पे इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया ड्रॉ कर दिया सेम जैसी शेडो पड़ रही है ऐसा हमने इसको बना दिया तो ये हो जाती है हमारी पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन इसमें शेडोज़ को ट्रेस किया जाता है एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर लेकिन जो नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन होती है उसमें सोर्स ऑफ लाइट तो यूज़ नहीं होता तो क्या यूज़ होता है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं इसमें मैप प्रोजेक्शन्स बनती हैं कोई लाइट नहीं मारी जाती बस मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं कैलकुलेशंस करके हम इस मैप प्रोजेक्शंस को बनाते हैं दे रिक्वायर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज सच एज इक्वल एरिया करेक्ट एक्सशेप ट्रू स्के तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ठीक है तो ये आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है मैप प्रोजेक्शंस की नाउ इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब The channel, share the videos with your friends. Thank you so much. All the best for your exams.